हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी रिजल्ट जो थी इसका हमने फ्रंट एंड पार्ट क्रिएट किया था, तो इस वीडियो में हम बैक एंड पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, हम रिजल्ट एक्टिविटी डॉट जावा में सभी चीज़ को डिक्लेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रिजल्ट एक्टिविटी डॉट जावा में हमें ये जो थ्री टेक्स्ट व्यू लिए थे इसको डिक्लेयर करना होगा, एक जो प्रोग्रेस बार इंप्लीमेंट किए थे उसको डिक्लेयर करना होगा एंड बटन को डिक्लेयर करना होगा। तो चलिए मैं चले जाता हूँ रिजल्ट एक्टिविटी डॉट जावा में एंड यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं सभी को डिफाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट कर लूँगा एंड हमने थ्री टेक्स्ट व्यू यूज़ किए थे इसलिए मैं दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू वन, टेक्स्ट व्यू टू, टेक्स्ट व्यू थ्री। ये होने के बाद आपको सेमी कॉलम दे देना एंड यहाँ से आपको बटन को यूज़ करना। बटन बटन का आपको नेम दे देना है बटन रिस्टार्ट करके। ये होने के बाद आपको सेमी कॉलम देना है एंड सर्कुलर प्रोग्रेस बार का यूज करना। इसका हम नेम दे देंगे सर्कुलर प्रोग्रेस बार का, सर्कुलर प्रोग्रेस बार एंड सेमी कॉलम से क्लोज करना है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को प्रोवाइड कर देता हूँ एंड इसका हम नेम प्रोवाइड कर देंगे रिजल्ट टेक्स्ट, सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। अभी हमें सभी चीज़ को डिफाइन करना होगा, यहाँ पे मींस डिक्लेयर करना होगा फाइंड बाय फाइंड व्यू बाय आईडी से। तो मैं जल्दी जल्दी सभी को डिफाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे आपको पास कर देना है टीवी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है टीवी रिसोर्स इसको आपको पास कर देना है। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ टीवी रिसोर्स। ये होने के बाद आपको इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बट यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है इसको डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे टेक्स्ट व्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो तीनों भी टेक्स्ट व्यू के लिए सेम करना होगा, तो मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, कंट्रोल डी। यहाँ से आपको नेम दे देना है टेक्स्ट व्यू टू, यहाँ से आपको देना है टेक्स्ट व्यू थ्री एंड हम चेक कर लेते हैं इसकी आईडी। तो इसकी आईडी है टू एंड थ्री। तो आ जाते हैं हम रिजल्ट एक्टिविटी डॉट जावा में, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे टीवी रिजल्ट टू एंड टीवी रिजल्ट थ्री। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है एंड ये जो बटन हमने इम्प्लीमेंट किए थे बटन रिस्टार्ट के नेम से इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो बटन रिस्टार्ट इज इक्वल टू आपको प्रोवाइड कर देना है बटन, तो आपको कैपिटल बी का यूज करना है। बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे बटन की आईडी हमें चेक करना होगा। तो बटन की आईडी हमने प्रोवाइड की थी बटन रिस्टार्ट के नेम से, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बटन रिस्टार्ट एंड सेमी कॉलम से आपको इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद हमें प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैनुअली सर्कुलर प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, जो भी प्रोग्रेस बार की आईडी रहेगी उसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हमने दिए थे सर्कुलर प्रोग्रेस बार, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एंड सेमी कॉलम से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमने कम्प्लीटली इसको कर दिया है। ये होने के बाद आपको यूज़ करना है सर्कुलर प्रोग्रेस बार, तो मैं सर्कुलर प्रोग्रेस बार का यूज़ कर लेता हूँ एंड प्रोग्रेस को सेट कर देता हूँ सेट प्रोग्रेस। इसमें आपको पास कर देना है क्वेश्चन एक्टिविटी, बट आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन एक्टिविटी आपको कैपिटल पास कर देना है, क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट करेक्ट। तो जो भी हमारे करेक्ट आंसर रहेंगे वो सर्कुलर प्रोग्रेस बार में डिफाइन हो जाएंगे। ओके, ये तो हुआ सर्कुलर प्रोग्रेस बार का, बट अभी लास्ट फाइनल बाकी हमारा रिजल्ट टेक्स्ट का, तो इसको भी हमें डिफाइन करना होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नेम देना है रिजल्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेम आपको यूज़ करना होगा फाइंड व्यू बाय आईडी एंड इसकी आईडी को आपको डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, इसका नेम आपको प्रोवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे जो हमारा इसका टेक्स्ट है इसको हम चेक करेंगे। तो रिजल्ट टेक्स्ट के नेम से हमने इसकी आईडी डिफाइन की थी, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ रिजल्ट टेक्स्ट एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना। तो हमारा कम्प्लीटली डिक्लेरेशन का वर्क हो चुका है। अभी हमें क्या करना है,
स्ट्रिंग बफर का यूज करना है, एंड जो भी करेक्ट रहेगा उसको करेक्ट करना है, जो आंसर रॉन्ग रहेगा उसको रॉन्ग करना है। ओके तो इसलिए हम क्या करेंगे, डॉट करेक्ट के नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे स्ट्रिंग बफर। ये जो आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग बफर, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। तो एक काम कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का नेम हम दे देंगे एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ये होने के बाद आपको सेमी कॉलम प्रोवाइड कर देना है एंड एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर सबसे पहले शो करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ये जो हमने नेम प्रोवाइड किए इसके हेल्प से हमें अपेंड कर देना है यहाँ पे डॉट अपेंड, एंड करेक्ट आंसर करके मैं हेडिंग दे देता हूँ करेक्ट आंसर। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, इस सिंबल का यूज करना है एंड हम प्लस दे देंगे, एंड जितने भी हमारे आंसर करेक्ट रहेंगे ये खुद ब खुद डिक्लेयर हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चन एक्टिविटी में हमने डिक्लेयर किए थे उसी को यूज करना है, क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट करेक्ट। ये होने के बाद आपको सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा करेक्ट का आंसर का वर्क हो चुका है। अभी हमें सेम रॉन्ग आंसर के लिए भी करना होगा, तो हमें स्ट्रिंग बफर का यहाँ पे भी यूज करना होगा। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल सी करूंगा एंड कंट्रोल वी सी इसको पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे जो एस बी है इसको यहाँ पे चेंज करना होगा एस बी टू के नेम से, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ एस बी टू। एंड ये जो करेक्ट आंसर है इसकी जगह हम क्या करेंगे, रॉन्ग आंसर। एंड ये जो क्वेश्चन एक्टिविटी करेक्ट है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन एक्टिविटी रॉन्ग, जो कि हमने क्वेश्चन एक्टिविटी रॉन्ग के नेम से ऑलरेडी एक्टिविटी में क्रिएट कर लिए। ओके ये होने के बाद आपको स्कोर क्लियर करना होगा, जैसे जो करेक्ट रहेगा जो रॉन्ग रहेगा, एंड बाद में एक तो फाइनल स्कोर को शो करने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रिंग बफर का अगेन यूज करना होगा यहाँ पे भी। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको हम कंट्रोल सी करेंगे। तो कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको एस बी थ्री यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एस बी थ्री। यहाँ पे भी आपको यूज करना है एस बी थ्री। एंड ये जो फाइनल स्कोर है इसको हम यहाँ पे डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फाइनल स्कोर। एंड यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा उसको डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ करेक्ट। हमें सभी में स्लैश एन का भी यूज करना होगा क्योंकि न्यू लाइन में शो होना चाहिए। तो एक काम कर लेता हूँ प्लस दे देता हूँ एंड हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे स्लैश एन। तो एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल सी से इन सभी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का हमने यूज कर लिया है, करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर एंड फाइनल स्कोर। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग बफर है इसके हेल्प से टेक्स्ट व्यू को भी शो करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रोग्रेस बार के अंदर में टेक्स्ट व्यू, इसके अंदर हमें जो भी डेटा रहेगा उसका फाइनल स्कोर शो करना होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी स्ट्रिंग बफर का यूज करेंगे हम, स्ट्रिंग बफर यहाँ पे यूज करेंगे एस बी फोर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। एंड यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है जैसे हमने ऊपर में क्लोज किए थे, एस बी फोर डॉट अपेंड आपको यूज करना है अपेंड। एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट करेक्ट ये पास कर देना एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना। ये होने के बाद आपको सबसे पहले एंटर करना है एंड हमें जो भी टेक्स्ट हुए है उसमें सेट करना है, जो भी हमने स्ट्रिंग बफर को यूज किया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसमें हमारे करेक्ट आंसर रहेंगे, इसमें हमारे रॉन्ग आंसर रहेंगे, एंड ये जो थर्ड में हमने एस बी थ्री किए फाइनल स्कोर ये हमारा रहेगा इसमें लास्ट टेक्स्ट में, ये जो थर्ड दिखाई दे रहा है। एंड टेक्स्ट व्यू में रहेगा हमारा जो लास्ट एस बी फोर क्रिएट किए उसको हम टेक्स्ट व्यू में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट एंड इसमें आपको पास कर देना है एस बी को। ये होने के बाद आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है एंड सेम आपको कंट्रोल डी करना है, ऐसे चार बार आपको कंट्रोल डी करते जाना है। तो हम पहले टेक्स्ट व्यू में एस बी को सेट करेंगे, टेक्स्ट व्यू टू में हम सेट करेंगे एस बी टू को।
एंड टेक्स्ट व्यू 3 को हम सेट करेंगे SB3 को। बट ये जो SB4 है वो हमें सेट करना है रिजल्ट टेक्स्ट में, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रिजल्ट टेक्स्ट एंड इसमें मैं SB को पास कर दूंगा, बट एक्चुअली SB4 को पास करना है हमें। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, बट हमें ये जो स्ट्रिंग बफर फोर्थ है इसमें हमें नॉट क्वेश्चन एक्टिविटी करेक्टली शो करना है, तो जितने आउट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट में क्या रहेगा, जितने करेक्ट आंसर रहेंगे एंड आउट ऑफ जितने हमारे कितने में से रहेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे शो करना होगा प्लस स्लैश का यूज करना होगा हमें, तो मैं स्लैश इंप्लीमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे यूज करना होगा प्लस आउट ऑफ कितने, तो आउट ऑफ 5, क्योंकि जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो हमने इंप्लीमेंट किया 5, इसलिए हमने यहाँ पे भी 5 इंप्लीमेंट किया। सपोज आप 10 लेते हो तो यहाँ पे 10 इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी हमारा कम्प्लीटली जो भी स्ट्रिंग बफर का था वो वर्क हो चुका है। अभी हमें क्वेश्चन एक्टिविटी करेक्ट को डिफाइन करना होगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी करेक्ट या फिर रॉन्ग रहेगा वो 0 से इनिशियल होना चाहिए, तो इसलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट करेक्ट इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट रॉन्ग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन एक्टिविटी को भी डिफाइन कर लिए। ये होने के बाद आपको बटन रिस्टार्ट ये जो है इस पे हमें सेट ऑन क्लिक लिस्टनर यूज करना होगा। तो हम देख लेते सबसे पहले इसका नियम हमने क्या दिए थे, बटन रिस्टार्ट। तो यहाँ पे हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर यूज कर लेते हैं, बटन रिस्टार्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेथड आ चुकी है ऑन क्लिक लिस्टनर की। तो यहाँ पे सिंपली आपको इंटेंट को पास करना होगा, जैसे कोई रिस्टार्ट पे क्लिक करेगा तो मेन एक्टिविटी में चला जाएगा। तो मेन एक्टिविटी हमारी कौन सी है, जो कि हमारी होम एक्टिविटी जो हमने स्टार क्रिएट किए थे C++, ये जो एक्टिविटी है यही हमें एक्टिविटी में इनको पास कर देना है। तो मैं रिजल्ट एक्टिविटी में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इंटेंट को, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट एंड जिस एक्टिविटी में है उस एक्टिविटी का नेम आपको पास कर देना है। तो हम पास कर देंगे रिजल्ट एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा जिस एक्टिविटी में आपको जाना है, तो हमें जाना है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। इसमें हम पास कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी एंड ये जो इंटेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको पास कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर भी डिफाइन कर दिया है, मीन्स हमारा कम्प्लीटली यहाँ का वर्क हो चुका है रिजल्ट एक्टिविटी डॉट जावा का। तो मैं आपको समझा देता हूँ हमने यहाँ पे क्या किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया 3 टेक्स्ट व्यू को, बटन को, सर्कुलर प्रोग्रेस बार को एंड टेक्स्ट व्यू को, ठीक है। ये होने के बाद हमने इसको इनिशियली 0 डिफाइन कर दिया, क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट करेक्ट इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बफर का यूज किया। अगर सपोज करेक्ट आंसर रहेगा तो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिए, रॉन्ग आंसर रहेगा तो इसको पास कर दिए एंड फाइनल स्कोर यहाँ पे पास कर दिए एंड ये जो रहेगा क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट करेक्ट एंड यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बफर से डायरेक्ट SB4 में पास कर दिए, ओके। ये होने के बाद हमने बटन रिस्टार्ट पे एक क्लिक ऑन लिसनर यूज किए जिसमें हमारा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास को पास कर दिए, मीन्स इंटेंट का यूज कर दिए। जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा बटन रिस्टार्ट में तो चले जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में। तो आई होप गाइज अभी इतना आपको समझ में आओगा जितना भी मैंने बताया। हमारा कंप्लीट रिजल्ट एक्टिविटी का वर्क हो चुका है। रिजल्ट एक्टिविटी का वर्क होने के बाद आपको आ जाना है मेन एक्टिविटी में, आपको सबसे नीचे आ जाना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है C, C++, पाइथन, HTML, कॉटलिन, C#, जो हमने यहाँ पे किया है एक्टिविटी मेन डॉट XML में, इसके लिए तो हमने क्रिएट कर दिया है, बट हमने C++, पाइथन इन सभी के लिए कोई भी क्वेश्चन एक्टिविटी क्रिएट नहीं की एंड ना रिजल्ट एक्टिविटी क्रिएट की। तो चलिए हम जल्दी से चले जाते हैं मेन एक्टिविटी में एंड इसके लिए भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे भी यूज करना होगा इंटेंट का, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से इंटेंट को एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। सेम आपको यहाँ पे पास करना होगा पाइथन में, सेम आपको पास करना होगा HTML में एंड पास करना है कॉटलिन में एंड C# में।
ये जो क्वेश्चन एक्टिविटी है इसका नेम आपको दे देना है सेकंड टू, सॉरी आपको सी प्लस में आपको देना है टू, यहाँ पे आपको देना है थ्री, एंड HTML में आपको दे देना है फोर, एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है फिफ्थ, एंड फाइनल आपको प्रोवाइड कर देना है सिक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन एक्टिविटी को हमने नेम दे दिए, तो हमें इस नेम से एक्टिविटी को क्रिएट करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, पैकेज नेम में जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पे क्लिक करना है, एम्प्टी एक्टिविटी को क्लिक करना है, एंड क्वेश्चन एक्टिविटी टू को पास कर देना है, एंड फिनिश बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। सेम आपको क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री फोर फाइव सिक्स के लिए क्रिएट करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सभी इसके लिए क्रिएट कर लिया है, क्वेश्चन एक्टिविटी वन, क्वेश्चन एक्टिविटी टू, क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, मीन सभी के हमारे एरर रिजोल्व हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन एक्टिविटी का कोड कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ का कोड कॉपी कर लेता हूँ कम्प्लीटली, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एंड क्वेश्चन एक्टिविटी टू में आपको आ जाना है, कंट्रोल ए बैकस्पेस कर देना है, एंड कोड को रिमूव करना है, एंड कंट्रोल वी से जितना भी कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये होने के बाद यहाँ पे एरर शो होगा, तो जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन एक्टिविटी शो हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्टिविटी टू इम्प्लीमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन एक्टिविटी टू, एंड यहाँ पे भी आपको चेंज करना होगा एक्टिविटी क्वेश्चन टू। ये होने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, एंड ये जो क्वेश्चन एक्टिविटी दिखाई दे रहा है इसको आपको चेंज करना होगा क्वेश्चन एक्टिविटी टू के नेम से। तो इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, स्क्रॉल करना है, यहाँ पे भी आपको चेंज करना है क्वेश्चन एक्टिविटी टू, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ के जितने भी एरर रहेंगे वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। हाँ यहाँ पे एरर इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि हमने एक्टिविटी क्वेश्चन टू में लेआउट फाइल क्रिएट की ही नहीं है। ओके, तो ये हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको पास कर देना है रिजल्ट एक्टिविटी टू, यहाँ पे भी आपको पास करना है रिजल्ट एक्टिविटी टू। ये होने के बाद आपको क्वेश्चन एक्टिविटी टू का कोड कॉपी करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ये होने के बाद आपको क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री में आना है, एंड जो भी हमारा कोड रहेगा उसको पेस्ट कर देना है। तो सेम आपको स्टेप करना है, क्वेश्चन एक्टिविटी टू की जगह आपको थ्री करना है। तो एक काम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल एफ का यूज करेंगे, जहाँ जहाँ आपको टू दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको थ्री करना है। तो यहाँ पे हमने थ्री इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसके बाद आपको एक्टिविटी क्वेश्चन थ्री करना है, आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ टू है वहाँ वहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे थ्री, क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री, क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री, एंड यहाँ पे भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री। सेम आपको यहाँ पे यूज करना है, एंड ये जो रिजल्ट एक्टिविटी टू है इसकी जगह हम यूज करेंगे रिजल्ट एक्टिविटी थ्री। एक्चुअली हमें एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी रिजल्ट एक्टिविटी के लिए, तो ये हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे थ्री प्रोवाइड कर देंगे। सेम आपको आ जाना है क्वेश्चन एक्टिविटी फोर में, यहाँ पे भी आपको टू का कोड पेस्ट कर देना है। मैं क्वेश्चन एक्टिविटी टू का कोड पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ कर देता हूँ, एंड टू को मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे टू की जगह हम यूज़ करेंगे फोर, एंड यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है एक्टिविटी क्वेश्चन टू की जगह फोर, स्क्रोल करना है, एंड यहाँ पे टू की जगह अगेन यहाँ पे यूज़ करना होगा फोर। सेम यहाँ पे भी हमें करना है फोर। तो सभी जगह जहाँ जहाँ आपको टू शो हो रहा है वहाँ वहाँ आपको फोर कर देना है। तो इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी मैं फोर को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, एंड ये जो रिजल्ट एक्टिविटी टू शो हो रहा है इसको आपको फोर करना है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ रिजल्ट एक्टिविटी फोर। अगेन हमारा फिफ्थ एंड सिक्स बाकी है, तो क्वेश्चन एक्टिविटी फिफ्थ को ओपन करना है, कंट्रोल ए बैक स्पेस कंट्रोल वी, कोड पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल एफ टू से आपको देखना है टू कहाँ कहाँ है, एंड यहाँ पे यूज करना है फिफ्थ। तो इसको भी मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ एक्टिविटी क्वेश्चन फिफ्थ,
यहाँ पे भी मैं पास कर लेता हूँ 5, यहाँ पे भी आपको पास करना है 5 एंड सेम नीचे 5 स्कोर, इसको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे भी आपको पास कर देना है 5th रिजल्ट एक्टिविटी 5th एंड फाइनल यहाँ पे जो रिजल्ट एक्टिविटी 2 है इसकी जगह आपको पास कर देना 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ का कंप्लीट वर्क हो चुका है 5th का भी। आपको आ जाना है 6th में, कंट्रोल ए बैकस्पेस कर देना एंड कंट्रोल वी से कोड को पेस्ट कर देना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे 2 2 दिखाई दे रहा है इसकी जगह हमें 6 करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल एफ, तो मैं यहाँ पे ऊपर में टॉप में 6 कर देता हूँ, स्क्रोल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है 6, नीचे में यहाँ पे भी आपको इम्प्लीमेंट करना है 6, क्वेश्चन एक्टिविटी 6, क्वेश्चन एक्टिविटी 6 एंड यहाँ पे भी आपको पास करना होगा 6, 6 एंड स्क्रॉल करके फाइनल यहाँ पे रिजल्ट एक्टिविटी 6 को पास कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने सभी जगह 6 6 को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये होने के बाद आपको एक्सएमएल फाइल में आना होगा, तो मैं लेआउट के नीचे आ जाता हूँ एंड ये जो एक्टिविटी क्वेश्चन है इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये होने के बाद आपको एक्टिविटी क्वेश्चन 2 में आ जाना है एंड जो हमने एक्टिविटी क्वेश्चन का कोड कॉपी किए इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस आपको एक्सएमएल फाइल में एक ही चेंज करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्टिविटी है इसकी जगह आपको करना है क्वेश्चन एक्टिविटी 2, सेम आपको एक्टिविटी 3 में करना है। तो कंट्रोल ए एंड यहाँ पे आपको कोड कोड पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे हम कर देंगे 3। आपको 4 में भी सेम करना है, कंट्रोल ए बैक स्पेस कंट्रोल वी एंड यहाँ पे आपको करना है क्वेश्चन एक्टिविटी 4। आपको यहाँ पे पास कर देना है एक्टिविटी क्वेश्चन 5 एंड यहाँ से आपको जो भी कोड है हमारा उसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ क्वेश्चन एक्टिविटी 5 एंड सेम आपको करना है एक्टिविटी क्वेश्चन 6 के लिए। तो आपको सेम सेम मेथड इंप्लीमेंट करनी है, मैं सिर्फ नेम चेंज करना है 5th की जगह 6, तो यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्सएमएल फाइल का भी चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे अभी कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, बट आई थिंक यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो इसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं एंड अभी हम चले जाएंगे क्वेश्चन एक्टिविटी 2 में। तो यहाँ पे एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट एक्टिविटी है यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा रिजल्ट एक्टिविटी 2 को। तो हम रिजल्ट एक्टिविटी 2 3 4 5 6 इन सभी को क्रिएट कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसको तो सबसे पहले मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, पैकेज नेम पे राइट क्लिक करना है, न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी एंड यहाँ से आपको एक्टिविटी का नेम एंटर कर देना है रिजल्ट एक्टिविटी 2 फिनिश। सेम आपको 3 4 5 6 के लिए कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से रिजल्ट एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ सभी के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिजल्ट एक्टिविटी 1 2 3 4 5 6 सभी के लिए यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे जैसे हम रिजल्ट एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे खुद ब खुद एरर रिजॉल्व हो जाता है। तो हमारे जो भी वर्क था क्वेश्चन एक्टिविटी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने रिजल्ट एक्टिविटी के लिए कोड क्रिएट किया सेम आपको कोड क्रिएट करना है रिजल्ट एक्टिविटी 2 के लिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं रिजल्ट एक्टिविटी 2 में एंड इस कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी करना है आपको, रिजल्ट एक्टिविटी 2 में आना है एंड यहाँ पे आपको कोड को कम्प्लीटली पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड ये जो रिजल्ट एक्टिविटी है तो यहाँ पे आपको करना है रिजल्ट एक्टिविटी 2, यहाँ पे आपको पास कर देना है एक्टिविटी रिजल्ट 2 एंड आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे भी आपको एंटर कर देना है रिजल्ट एक्टिविटी 2 एंड जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन एक्टिविटी शो हो रहा है उसकी जगह आपको क्वेश्चन एक्टिविटी 2 भी क्लिक कर लेना है। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ क्वेश्चन एक्टिविटी को
कंट्रोल एफ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि क्वेश्चन एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन एक्टिविटी यहाँ पे, तो इसको टू करना होगा हमें, क्वेश्चन एक्टिविटी टू करना होगा, क्वेश्चन एक्टिविटी टू करना है, क्वेश्चन एक्टिविटी टू एंड यहाँ पे भी आपको टू करना है एंड सेम आपको नीचे पे भी चेंज करना है टू टू के नेम से। तो अभी हमारा रिजल्ट एक्टिविटी टू का वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो अभी रिजल्ट एक्टिविटी थ्री को भी सेम क्रिएट करना है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड रिजल्ट एक्टिविटी थ्री में चले जाता हूँ एंड जो भी टू का कोड है इसको पेस्ट कर लेता हूँ एंड जहाँ जहाँ आपको टू दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैं थ्री कर लेता हूँ। तो कंट्रोल एफ करना आपको, यहाँ पे सर्च करना आपको टू एंड जहाँ जहाँ आपको टू दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ करेंगे हम थ्री, एक्टिविटी रिजल्ट थ्री एंड ये जो टू है इसकी जगह आपको चेंज करना है थ्री, क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री एंड सेम क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री, क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री। ओके ये होने के बाद यहाँ पे भी एंटर करना है एंड यहाँ पे भी आपको एंटर कर देना है थ्री एंड ये जो रिजल्ट एक्टिविटी टू है इसकी जगह आपको यूज करना होगा रिजल्ट एक्टिविटी थ्री का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने कम्प्लीटली चेंजेस कर दिया है। अभी आपको सेम रिजल्ट एक्टिविटी फोर के लिए भी करना है, कंट्रोल ए बैक स्पेस कंट्रोल वी एंड जहाँ जहाँ आपको टू दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको यूज करना है फोर। तो यहाँ चेंज करूँगा, यहाँ पे आपको चेंज करना है एक्टिविटी एंड यहाँ पे जो जो टू दिखाई दे रहा है क्वेश्चन एक्टिविटी टू इसको आपको चेंज करना है फोर में। तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। एंड सेम में नीचे में भी कर लेता हूँ। ये होने के बाद आपको नीचे आना है एंड रिजल्ट एक्टिविटी फोर कर देना है। सेम आपको रिजल्ट एक्टिविटी फिफ्थ में आ जाना है अभी एंड जो भी कोड है टू का उसको कॉपी एंड पेस्ट करना है एंड जहाँ जहाँ टू दिखाई दे रहा है उसकी जगह फिफ्थ करना है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे भी सेम फिफ्थ फिफ्थ, यहाँ पे भी आपको करना सेम, आपको यहाँ पे भी फाइव इम्प्लीमेंट करना है फाइव फाइव, यहाँ पे भी फाइव एंड फाइनल यहाँ पे भी फाइव। सेम आपको क्वेश्चन एक्टिविटी टू की जगह क्वेश्चन एक्टिविटी फाइव का यूज करना है, आपको स्क्रॉल करना है एंड रिजल्ट एक्टिविटी टू की जगह आपको यूज करना होगा फिफ्थ। अभी फाइनल हमारा रिजल्ट एक्टिविटी सिक्स बाकी है तो इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ जल्दी से, कंट्रोल वी करके कंट्रोल एफ करना है आपको, जहाँ जहाँ टू दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ करना है आपको सिक्स, एक्टिविटी रिजल्ट सिक्स एंड ये जो क्वेश्चन एक्टिविटी टू है इसकी जगह आपको यूज करना है सिक्स, यहाँ पे यहाँ एंड सिक्स सिक्स, ये जो टू है इसकी जगह भी आपको यूज करना होगा सिक्स एंड यहाँ पे भी यूज करना होगा सिक्स, रिजल्ट एक्टिविटी टू की जगह आपको यूज करना है सिक्स। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है डॉट जावा फाइल का, मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया, रिजल्ट एक्टिविटी का कोड लिए एंड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिए। ओके तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी हमारा कम्प्लीटली रिजल्ट एक्टिविटी डॉट जावा का पार्ट हो चुका है, अभी आपको आ जाना है एक्टिविटी रिजल्ट डॉट एग्जेमल में एंड यहाँ पे जो भी कोड है आपको इसको जस्ट कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी करना है एंड एक्टिविटी टू में इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपको एक्टिविटी रिजल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको टू करना होगा, तो सबसे टॉप में आ जाना है एंड यहाँ पे यूज़ करना है रिजल्ट एक्टिविटी टू। सेम आपको नीचे में भी यूज़ करना है रिजल्ट एक्टिविटी थ्री में, तो स्प्लिट करना है कंट्रोल ए बैक स्पेस कंट्रोल वी एंड जहाँ पे रिजल्ट एक्टिविटी शो हो रहा है यहाँ पे आपको यूज़ करना है थ्री, नीचे आना है स्प्लिट कंट्रोल ए बैक स्पेस कंट्रोल वी रिजल्ट एक्टिविटी फोर। स्प्लिट पे आपको क्लिक कर देना है कंट्रोल ए बैक स्पेस कंट्रोल वी एंड रिजल्ट एक्टिविटी फिफ्थ एंड फाइनल हमें अभी चेंज करना है तो सिक्स्थ में, तो आपको स्प्लिट पे क्लिक करना होगा कंट्रोल ए बैक स्पेस
एंड रिजल्ट एक्टिविटी 6। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, क्वेश्चन एक्टिविटी, रिजल्ट एक्टिविटी, एग्जामिन पार्ट, जावा पार्ट कम्प्लीटली डन हो चुका है। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो ये एरर आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ एरर क्यों। हाँ, कंपाइलेशन एरर, तो ये मे बी रिजॉल्व हो जाएगा आई थिंक, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते। तो अभी आपको आ जाना है रिजल्ट एक्टिविटी 6 में, एंड यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि एरर एग्जैक्ट क्यों शो हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे, एंड ये जो एक्टिविटी रिजल्ट 6 है इसको हम अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये थोड़ी देर में एरर जितने भी रहेंगे वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो अभी भी एरर सॉल्व नहीं हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, हम फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लोज प्रोजेक्ट कर लेते हैं, एंड जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको अगेन ओपन करके देखते हैं, मे बी एरर कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमने एक साथ इतने सारे एक्टिविटी क्रिएट किए थे, तो मे बी इसलिए कभी कभी एरर दे देता है, तो इसलिए हम इसको क्लोज प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड ओपन कर रहे हैं। मे बी आई थिंक अभी कम्प्लीटली जो भी एरर रहेगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रिजल्ट एक्टिविटी 6 में कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, तो जितने भी हमारे एरर थे वो कम्प्लीट रिजॉल्व हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, अपने डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के साथ में, एंड हम रन करके देखेंगे कि हमारा ऐप अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल डिवाइस को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शो रहा है रियलमी RMX 3395, मीन्स हमारा मोबाइल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, तो हमें वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो हम वेट करते हैं तब तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश एंड लॉन्चिंग ऐप ऑन रियलमी RMX 3395, एंड हमारे मोबाइल डिवाइस में भी ऐप लॉन्च हो चुका है क्विज रिवॉर्ड पावर्ड बाय रोहित। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा होम पेज शो हो रहा है, एंड यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर भी शो हो रहा है, क्विज एप्लीकेशन एंड हमारी जो जीमेल आईडी वो भी शो हो रही है। हम शेयर पे क्लिक करके देखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऐप शेयर हो रहा है, एंड हम रेट पे क्लिक करके देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर एंड मोर का। एंड इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ मेन एक्टिविटी में जो हमने कोड पेस्ट किया था उसमें आप चेंजेस करके, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फेसबुक वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी इसमें कोई भी कोड इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो आप इसमें अगर कोड इम्प्लीमेंट करते हो तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं, अभी ये जो C++ है इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले सी पे क्लिक करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो मेन एक्टिविटी में जो हमने क्वेश्चन लिए थे, सॉरी हमने मेन एक्टिविटी नहीं क्वेश्चन एक्टिविटी में क्वेश्चन लिए थे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट इज करेक्ट, ठीक है, यही क्वेश्चन हमने लिए थे। एंड ये जो ऑप्शन दिखाई दे रही है द ओपनिंग पैरेंथिसिस सी कंपाइलर, ये सभी यही शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो हमने ऑप्शन लिए थे वही यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी एक काम कर लेता हूँ, मैं करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है द ओपनिंग पैरेंथिसिस शुड, मीन्स ए करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट करके, तो देखो करेक्ट शो हो रहा है, यूअर स्कोर 1, तो हमारा स्कोर कितना हो गया 1। एंड जो हमने फिफ्थ इम्प्लीमेंट किए थे मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट एक्टिविटी में जाके, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने 5 इम्प्लीमेंट किए थे यहाँ पे वही यहाँ पे 5 शो हो रहा है। तो यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं अभी हम रॉन्ग को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ का आंसर है एनालाइजिंग टूल, एंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं सी कंपाइलर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रॉन्ग शो हो रहा है एंड यूअर स्कोर ओनली 1, दो क्वेश्चन में से सिर्फ एक करेक्ट आंसर है हमारा, ओके। इसके बाद हम राइट पे क्लिक करेंगे EFG, तो करेक्ट है, स्कोर 2 हो चुका है, रॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हैं हम नेक्स्ट, एंड अभी लास्ट है, तो इसमें हम सिलेक्ट प्रॉपर कर लेते हैं एनीवेयर, तो करेक्ट। तो आप देख सकते हो 5 में से हमारे 3 आंसर प्रॉपर है एंड रॉन्ग आंसर 2 है, एंड यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी अच्छे से शो हो रहा है, एंड यहाँ पे जो हमने बॉय की यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट की थी इमेज वो भी अच्छे से शो हो रही है। एंड जैसे हम बैक कर रहे हैं तो हम रिजल्ट एक्टिविटी में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने क्विट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे डैशबोर्ड में। तो अभी हम क्या करते हैं, रिस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी C++ पे क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे 020 शो हो रहा है, तो आई थिंक हमने एक मिस्टेक कर दी है। तो हम क्या करते हैं, एक्टिविटी
सॉरी एक्टिविटी क्वेश्चन टू में चले जाते हैं, एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, इसकी जगह 0.20 की जगह आपको क्या करना है, 0.5 करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको चेंज करना होगा 0.5 से, तो मैं जल्दी जल्दी चेंज कर लेता हूँ 0.5 के। इससे एक्टिविटी क्वेश्चन में भी आपको चेंज करना है 0.5 से। ये जो है टेक्स्ट वो बाय डिफॉल्ट हमने डिफाइन कर दिया है, इसलिए यहाँ पे 20 शो हो रहा है, तो आपको सभी जगह 5.5 इम्प्लीमेंट करना होगा। तो हमने 3 में कर दिया, 4 में भी करना आपको सेम, आपको करना है 5th में भी, एंड फाइनल हम 6th में भी चेंज कर लेते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन 6 में। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड 20 की जगह 6 को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगेन हम एक चेंजेस कर लेते हैं, जो क्विज एप्लीकेशन का टूल बार का कलर है वो अच्छे से मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कलर डॉट एग्जामल में चले जाएंगे एंड इसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर प्राइमरी डार्क को, तो ये काफ़ी ग्रे हो रहा है तो हम ब्लूइश इसमें कर लेते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, सॉरी हम इसको थोड़ा ब्लूइश कर लेते हैं। तो अभी कलर प्राइमरी डार्क भी सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं रन ऐप पे क्लिक करके देखता हूँ अगेन, तो सेम यहाँ पे जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो अगेन हमें वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शो हो रहा है लॉन्चिंग ऐप एंड हमारा जो भी स्प्लैश स्क्रीन है वो शो हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टूल बार का भी कलर चेंज हो चुका है, कलर प्राइमरी डार्क हमने जैसे ही चेंज किया तो ऐसे ही हमारा क्विज एप्लीकेशन का टूल बार का भी कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, पाइथन पे क्लिक करके देखते हैं। तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन चेंज करना है तो आपको क्वेश्चन एक्टिविटी 3 में जाना है पाइथन का चेंज करने के लिए, एंड यहाँ से आपको चेंज कर लेना है जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में 0.5 अभी शो हो रहा है, क्योंकि हमने हर जगह 20 की जगह 5 को इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो सभी को आपको जल्दी जल्दी सिलेक्ट करते जाना है नेक्स्ट। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर 4, रॉन्ग आंसर 1, एंड यहाँ पे शो हो रहा है 4 आउट ऑफ 5, ठीक है। एंड रिस्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो हम होम पेज पे आ जाएंगे। तो अभी हम करते हैं अगेन C++ पे क्लिक एंड डायरेक्ट क्विट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, रॉन्ग आंसर 0, करेक्ट आंसर 0 एंड फाइनल स्कोर 0। तो अभी मैं रिस्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आई होप गाइज अभी आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा क्विज एप्लीकेशन के बारे में, कि क्विज एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको सपोज कुछ प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर सपोज आपको क्विज एप्लीकेशन मेरे से क्रिएट करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस ऐप की प्राइस रहेगी 4000, अगर सपोज आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो इसकी कॉस्ट रहेगी 2000। तो आप gmail ID या फिर व्हाट्सएप नंबर से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अभी हमारी कम्प्लीटली क्विज एप्लीकेशन से रिलेटेड सीरीज कम्प्लीट हो चुकी है। तो मिलता अगले नए वीडियो में नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।